आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 15 जनवरी के श्री वरदान की रिकॉर्डिंग। हम हर कोई चाहता है हमें से कि हम किसी न किसी तरीके से हम लोगों को ब्लेसिंग्स पहुंचाएं, चाहे हमारे वो लव्ड वंस हों, चाहे हमारे वो जान पहचान के हों। और हमें जब लगता है कि वो किसी परिस्थिति में है या किसी सिचुएशन में है, तो हमारे अंदर से मन से आता है, दिल से आता है कि हम उनको किसी तरीके से ब्लेसिंग्स पहुंचाएं ताकि उनका जो कार्य है वो सफल हो जाए। तो क्या ब्लेसिंग सिर्फ बोल करके पहुंचाई जा सकती, कोई और भी तरीका है? आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर कि कैसे आप दो और तरीकों से ब्लेसिंग्स पहुंचा सकते हैं। तो देखें, परमात्मा के अपने ही महावचनों में, महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं ये ब्लेसिंग्स कैसे दी जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं बैलेंस की विशेषता को धारण। बैलेंस की विशेषता, जो एक बैलेंस होता है हमारे सोच में, बोल में, कर्म में, और हमारे परमात्मा से कनेक्शन में और सेवा में बैलेंस, उसकी विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सर्व को ब्लेसिंग, यानी कि जिसको आप मिले, जिसे आप बात कर पाए, सिर्फ उधर तक ही आप सीमित हो जाएं। आप अगर चाहें तो आप विश्व भर को आप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है, इसी को हम चेक करने वाले। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग्स देना। आप किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग दे सकते हो। आप किसी को सेहत से रिलेटेड ब्लेसिंग दे सकते हो, किसी को धन से रिलेटेड ब्लेसिंग दे सकते हो, किसी को आप दीर्घायु के लिए ब्लेसिंग दे सकते हो, किसी के संबंधों को मीठा बनाने के लिए ब्लेसिंग दे सकते हो, किसी के मन बुद्धि को शांत करने के लिए ब्लेसिंग दे सकते हो। और ये ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत पावरफुल। तो परमात्मा कहते हैं चाहे नैनों से दो। अब देखो फर्स्ट मेथड, चाहे नैनों से दो, कि आप उनको देख रहे हो एंड आप अपने आंखों से ही उनको ब्लेसिंग दे सकते हो बिना कुछ बोले। बोलते ना कि आंखें जो होती हैं वो आत्मा का दर्पण होती है। तो हमारी आंखों से ही पहले पता चल जाता है कि आप किसी और के बारे में क्या सोच रहे हो, या दूसरे को पता चलता है आप क्या सोच रहे हो। और आप जब किसी की आंखों को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है व्यक्ति, या वो आत्मा क्या सोच रही है अंदर बैठ करके। तो आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। मस्तक में, ये मस्तिष्क में कौन बैठी है? मणि। मणि मतलब आप आत्मा बैठे हुए अंदर, एक एनर्जी, एक स्पार्क, एक मेटाफिजिकल सोर्स, एक इन्फिनिट एनर्जी बैठे हो, और आप जो संकल्प रच रहे हो इस समय भी वो आपके चारों तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है आपकी प्योरिटी पर। आप जितना प्योर संकल्प करेंगे उतनी वो प्योरिटी आपके चारों तरफ फैलेगी, लेकिन अगर आपके संकल्प इम्प्योर होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा लंबी नहीं होती है, वो सबसे पहले आपको ही हार्म करते हैं। लेकिन जो प्योर संकल्प होते हैं वो आपको भी हेल्प करते हैं और दूर दूर तक तरंगे जाती हैं और को भी हेल्प करते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे साकार को लास्ट कर्मती स्टेज के समय देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी। साकार मीन्स साकार ब्रह्मा, साकार एडम। उनको जब परमात्मा ने सिखाई ये विधि, तो उन्होंने जब भी प्रैक्टिस करी, क्या करने के लिए? असुर से देवता बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए। एडम भी क्या बन चुके थे? पापी बन चुके थे। तो एडम को परमात्मा ने जैसे प्योर बनाया, कैसे बनवाया? ब्रह्म कुमारी में परमात्मा को हम मानते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे ब्रह्मा या एडम के ऊपर काम किया, और एडम ने फिर वो ज्ञान हमें दिया और हमें सिखाया कि कैसे एडम बने वो। तो ये सारा ज्ञान परमात्मा हमें उनके द्वारा देते हैं, और उनको देखते हुए हमने चेक किया कि अच्छा, उन्होंने भी क्या किया? बैलेंस रखा। जहां बोलने की जरूरत नहीं थी वहां पे उन्होंने आंखों से और अपने शक्तिशाली थॉट से उन्होंने सेवा करी, तो एनर्जी सेव करी। कितनी एनर्जी सेव हो गई होगी। फिर परमात्मा कहते हैं कि कमाल थी बैलेंस, ब्लेसिंग की कमाल थी, तो फॉलो फादर करो। उन्होंने, उनकी क्या विशेषता थी? वो बैलेंस में चलते थे और वो ब्लेसिंग भी करते थे और वो ब्लेसिंग देते थे संकल्पों द्वारा और नैनों द्वारा, और ये कमाल कर बैठे थे, और आत्माओं को महसूसता होती थी, जितनी बोलने से नहीं होती उतनी उनको फीलिंग आती थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इजी है ना, ज्यादा आपको बोलना नहीं पड़ता है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम, और रिजल्ट ज्यादा निकलती। तो हम क्या करते हैं ब्रह्म कुमारी में? हम सुबह 4 बजे उठ करके मेडिटेशन करते हैं, या हम 6:30 से 7:30 शाम को बैठ करके, जिसको नुमा शाम कहते हैं, अमृत वाला सुबह हो गया, नुमा शाम शाम का हो गया, हम बैठ करके हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। और उसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हम अपने अंदर वो शक्तियां लेकर के परमात्मा से फिर चारों तरफ उस एनर्जी को फैलाते हैं, और वही ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। उसमें हम कुछ चीजें सोचते हैं औरों के बारे में, उनके लिए दुआएं क्रिएट करते हैं, ब्लेसिंग्स मतलब दुआएं, और वही उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि प्योर संकल्पों की तरंगें बहुत दूर तक होती हैं।
आपकी चिंताओं की तरंगे जो होती हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है जितनी आपकी प्योर संकल्पों के अंदर होती है। लेकिन आज दुनिया में इम्प्योर तरंगे बहुत ज्यादा होने के कारण, उसकी ज्यादा मात्रा होने के कारण हमें क्या लगता है कि बद्दुआ जल्दी लगती है, लगती है क्योंकि वो चारों तरफ लोगों की जो तरंगे हैं वो हेल्प करती हैं उन नेगेटिव तरंगों को आगे जल्दी फैलने में। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ मिल जाते हैं तो परमात्मा की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, वो लाइट है, प्रकाश है, उसके द्वारा जब हम अपनी तरंगों को मैच करते हैं, वैसे ही सेम प्योर संकल्प करते हैं परमात्मा जैसे, तो हमारी तरंगे भी फटाफट फैलती हैं। कितनी फटाफट फैलती होंगी आप सोचोगे। फिर परमात्मा कहते हैं आगे, इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती है, तो आत्मिक स्वरूप में से सबको ब्लेसिंग देते चलो। कौन सा स्वरूप? आत्मिक स्वरूप। फास्ट है, थॉट्स एक सेकंड में पहुंचते हैं 2000 किलोमीटर दूर आपके फोन कॉल से भी पहले। तो आप ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन करना कैसे है वो आप ब्रह्मा कुमारी में आके सीख सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।